दो अलग अलग ड्रग्स हैं जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे लिखनी चाहिए, पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं। दोस्तों, नशे की लत इतनी बुरी चीज़ होती है जो अच्छे खासे आदमी को बर्बाद कर देती है। अभी हमारे करंट एग्जांपल हैं सुशांत सिंह राजपूत, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उगते सितारे थे और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर माने जाते थे। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो में देखा जो एक मीडिया चैनल पर चलाया गया था, उसमें उनकी क्या हालत थी। वो बिल्कुल सेंसलेस हो गए थे, उनको कैसे बिहेव करना है एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे। देखो इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ, तुम्हारे कान किस कलर के हैं? तुम किस कलर के हो? Very handsome. क्या कर रहे हो तुम? लौरेन, अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही, लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1+1 तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बॉलीवुड, नशा और हमारी युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन। ये जो बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, हमारी यंग जनरेशन जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री को फॉलो करती है, बड़े बड़े स्टार्स को देखती है, उनसे इम्प्रेस होती है, उनके जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहती है, बट रियल लाइफ से इम्प्रेस होकर उनकी जब वो रियल लाइफ को देखते हैं, जो अभी ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे दीपिका पादुकोण हो गई, गुरप्रीत हो गई, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन पे जो अभी एलिगेशन लग रहे हैं ड्रग्स कंजम्पशन के और दूसरों को ड्रग्स सप्लाई करने के, ये काफ़ी सीरियस क्राइम माना जाता है इंडिया में, क्योंकि इन लोगों ने जो ड्रग्स कंज्यूम किए हैं वो इंडिया में बैंड हैं। यार, अगर सरकार आप किसी चीज़ को बैन करती है, आपको मना करती है कि आप इस चीज़ को कंज्यूम मत करिए नशे के तौर पर, तो वो आपके भले के लिए कर रही है, चाहे वो पुरानी सरकारों ने कोई कानून बनाया हो या आज की नई सरकार ने या आने वाली सरकार जो कानून बनाएंगी। अगर सरकार चाहे तो इन चीज़ों को फ्री कर सकती है, उस पर उनको रेवेन्यू आएगा, जितना रेवेन्यू चाहे वो उससे जनरेट करें, जो टैक्स उस पर लगाना चाहे टैक्स लगा सकती है, और लोग नशे के लिए उसको खरीदेंगे, जैसा हम लिकर में देखते हैं लोग खरीदते हैं, लेकिन लिकर से इतना नुकसान नहीं होता जो ये बैंड ड्रग्स होती हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली ये जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं उससे कोई रिकवरी नहीं हो सकती, तो सरकार ने अगर बैन किया तो आपके भले के लिए किया है, तो इनको कंज्यूम करना इंडिया में बैन है। और इन लोगों ने जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स अभी नज़र आ रहे हैं, जो हमारी मीडिया कवरेज है या जो न्यूज़ चैनल्स पे हम देख रहे हैं, इन लोगों की क्या लाइफस्टाइल है? ये हम इनको फिल्मों में देखते हैं कि ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे उड़ता पंजाब में दिखाया गया कि पंजाब पूरा नशा से ग्रस्त है, नशे से ग्रस्त है, हमें नशा मुक्त पंजाब चाहिए। और जब उसी हीरो की हम वीडियो देखते हैं जो खुद एक पार्टी में नशे में टल है, मतलब आज की जनरेशन क्या सीखेगी इन लोगों से? यही कि भाई रियल लाइफ पे आप हमें एक अच्छा सा उपदेश दे रहे हो और असलियत में आप खुद टल्ली होके पड़े हो। तो हमारी जो यंग जनरेशन लोगों को फॉलो करती है, उन्हें इनकी रियल लाइफ से हटके इनकी रियल लाइफ को भी देखना पड़ेगा। ये रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं अपने, क्या इनके, हालांकि अभी कुछ चीज़ें और भी सामने आएंगी और बड़े बड़े लोग भी ये ड्रग्स रैकेट में फंसेंगे कि क्या ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, और हमें हैरानी भी होगी कि इतने बड़े बड़े लोग भी ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये यंग जनरेशन जो हमारी है, ये इन लोगों से इंस्पायर ना हो, इनको बस फिल्मों में देखे और अपना पैसा बर्बाद करे, और ये लोग हमारे पैसों से अमीर हों, हम इनके लिए टिकट खरीदें और हमारे पैसों से ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें और महंगा महंगा नशा करें, है ना, मतलब हमारे पैसे से ये खूब महंगे नशे करें और हम इनकी टिकट लेके पिक्चर देखें। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको एंटरटेन होना है अच्छी चीज़ें देखिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, किताबें पढ़िए, बॉलीवुड में कुछ नहीं रखा जो अभी देखने में आ रहा है, चाहे हम पहले भी देखते थे, ऐसे केसेस पहले भी आए कि पूरा बॉलीवुड एक अलग ही लाइन पे जा रहा है, कई लोग ऐसे थे जो ड्रग्स के कारण या नशे के कारण मर भी जाते थे, कई ऐसी स्टोरीज हमने सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी समझ के ऊपर है, उन्हें कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री एक अलग ही दिखावा है, छलावा है, ये पिक्चरों में कुछ और दिखाएंगे आपको, हालांकि हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो मैक्सिमम ऐसे ही हैं, हम इनको बाइफरकेट नहीं कर सकते। अगर किसी को नशा करना ही है यार, तो किताबों का नशा करो ना, पढ़ाई का नशा करो, अच्छे काम का नशा करो, देश सेवा का नशा करो, क्यों नहीं करते ये काम? सोशल वर्क करो आप, लोगों की मदद करो, खुद का करियर बनाओ, पढ़ाई करो, आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा,
बॉलीवुड से इंस्पायर हुई है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी को फॉलो मत करिए, उसको रियल लाइफ को रियल पे ही रहने दीजिए, उसको रियल लाइफ में अपना रोल मॉडल मत मान लीजिए। हाँ, उसकी स्टोरी से इंस्पायर हो जाइए आप। और अभी ये जो बॉलीवुड में ड्रग्स की स्टोरी चल रही है, देखते हैं इसमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसेंगी, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े स्टार्स का नाम आएगा। करण जौहर का तो नाम आ ही रहा है कि उन्हीं की पार्टी थी जिसमें ये सारे लोग टल्ली होके पाए गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।